सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल अचीवर्स में। और आई नो कि बहुत लंबा गैप आ गया है बीच में, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से मैं क्लासेस नहीं कंटिन्यू कर पाई। एंड आपके एयरपोर्ट के एग्ज़ाम के बाद आई थॉट कि आपको थोड़ा सा गैप दे देती हूँ 10-15 दिन का, बट उसके बाद कोविड आ गया एंड उस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई एंड देन फैमिलीज इशू हो गए कुछ, तो मैं ये नहीं कंटिन्यू कर पाई अपना ये जो चैनल था, इसको मुझे इस पर नई वीडियोज़ अपलोड कर पाई मैं। बट अभी मैं दोबारा फिर से इसको स्टार्ट कर रही हूँ न्यू वीडियोस एंड न्यू सब्जेक्ट्स के साथ। और इसमें मैं भी कवर करूँगी RRB NTPC के वो कुछ फेजेस का एग्ज़ाम, CBT 1 के कुछ फेजेस का एग्ज़ाम जो है वो रह गया है, उनके लिए मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। प्लस जो आपका फाइनल फेज होगा उसके लिए तो डेफिनेटली मैंने पहले भी कहा था मैं प्रिपेयर करवाऊँगी, तो उसकी प्रिपरेशन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। और सिमिलरली आपका SSC के भी जो साइड बाई साइड एग्ज़ाम्स होते रहते हैं वो भी आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। एंड मेन फोकस मेरा इस एग्ज़ाम की तरफ रहेगा, DFFCIL ऑपरेशन NBD का जो है एग्ज़ाम पेपर रिलीज, सॉरी वैकेंसीज रिलीज़ करी हैं। और इसमें आपकी दो तरह की, उन्होंने कई तरह की वैकेंसीज हैं ऑपरेशन NBD में, तीन हैं। एक है मैनेजरियल पोस्ट की, जिसके लिए आपको शायद MBA का रिक्वायर्ड है। आपकी एग्जीक्यूटिव, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपका ग्रेजुएशन से काम चल जाएगा। जो मुझे लगता है अगर RRB NTPC आप और SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ग्रेजुएट तो होंगे ही। एंड सेकेंड आपका एक है जूनियर एग्जीक्यूटिव वाला, उसके लिए भी आपका ग्रेजुएशन चल जाएगा, तो आपका ये वाला एग्ज़ाम आप फिल कर सकते हैं। ये दोनों एग्ज़ाम तो ज़्यादातर हर बच्चा फिल कर ही सकता है, क्योंकि सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है। एंड आपकी सीट्स अच्छी खासी अमाउंट में है, प्लस सिलेबस भी कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ऑफ द ट्रैक जाके पढ़ना पड़े। एंड आज 22 है एंड आई गेस जो इसका लास्ट डेट है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का, लास्ट डेट आपका शायद 23 तक है। अगर किसी ने फिल नहीं किया है तो 23 जुलाई इसका लास्ट डेट है, इसको फिल कर दीजिए। उसके अलावा अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछ सकता है इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। मैंने नहीं बनाई थी इसकी वीडियो बिकॉज तब मेरा कोई इरादा नहीं था इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवाने के लिए, बट कुछ लोगों के मैसेज आए एंड दे वांट कि उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाए, इसीलिए मैं इस एग्ज़ाम के लिए वीडियो ला रही हूँ। एंड इसमें मैं आपको इसका जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही पार्ट्स कवर करवाऊँगी। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल में इसमें होता है आपका टेक्निकल, नॉन टेक तो आपका नॉर्मल वही है आपका FT, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो आपका नॉर्मल RRB और SSC का सिलेबस है वो आपका RRB SSC के साथ ही कवर हो जाएगा। एंड इसके अलावा स्पेशली ऑपरेशन NBD के एग्ज़ाम में आपका आएगा हिस्ट्री ऑफ रेलवेज, हिस्ट्री ऑफ DFFCIL भी हमें साथ में कवर करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग आएगा, एंड इसके अलावा आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आएगा। और इसी तरह के एक दो सब्जेक्ट्स और हैं जो आपके थोड़े ऑफ द ट्रैक हैं एंड शायद आप लोगों ने कभी पढ़े भी नहीं होंगे अगर आप इस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो काइंड ऑफ MBA बेस्ड आप सब्जेक्ट कह सकते हो, और कुछ बिल्कुल स्पेसिफिक रेलवे बेस्ड ही है लाइक हिस्ट्री ऑफ रेलवे वगैरह। तो इन सब चीज़ों को मैं आपको कवर करवाऊँगी when I will help you all to prepare फॉर द एग्ज़ाम DFFCIL। तो गाइज बस बी विद मी और आप दोबारा से फोकस करिए, जैसे आपने रिपोर्ट का 30 ऑफ एग्ज़ाम में सपोर्ट दिखाया था एंड आपने बिल्कुल कंटिन्यूस क्लासेस लेके पढ़ाई करी थी, आप ऐसे ही पढ़ाई कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो मैं इन वीडियोस को कंटिन्यू फिर रखूँगी एंड RRB NTPC SSC एंड DFFCIL का आपका इन तीनों का क्लासेज अब मैं आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो बी विद मी एंड आई होप कि आपका जल्दी से जल्दी इसका सिलेबस कवर करवा दिया जाए DFFCIL का, ताकि आपका रिवीजन का टाइम मिल सके। प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कुछ चीज़ें हो गई थी लास्ट में, एग्ज़ाम बहुत सडनली आ गया था तो हम मॉक टेस्ट भी नहीं कर पाए थे, कुछ एग्ज़ाम प्रिपेयर नहीं कर पाए थे। जो अब DFFCIL में मैं सोच रही हूँ आपके मॉक टेस्ट कुछ कंडक्ट करवा दूँगी साथ के साथ, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। एयरपोर्ट में हमने ये किया था कि हमने सोचा था सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे, बट DFFCIL में हम ऐसा करेंगे टॉपिक कंप्लीट होगा और साथ के साथ हम मॉक टेस्ट ले लेंगे। प्रोवाइड करवा देती थी बट थिंग इज़ दैट कि वो पेपर का सिलेबस ही चेंज हो गया एग्ज़ाम में, कुछ और ही सिलेबस कहीं से उठ कर आ गया, तो वी कॉन्ट डू एनी थिंग विद दैट। बट नाओ प्रिपेयर फॉर DFFCIL एंड ओके, इसमें सब कुछ अच्छा होगा ही होगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड विल स्टार्ट आर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे और टुमोरो।